हेलो दोस्तों दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो आप पूरे महीने मेहनत करके सैलरी कमाते हो उसका आप क्या करते हो? उसमें से कुछ अमाउंट आप रेंट या ईएमआई में दे देते हो और कुछ अमाउंट ग्रॉसरी, सब्जी, फ्रूट्स इसमें दे देते हो, और जो उसमें से पैसे बचते हैं उसके आप कपड़े, जूते ये सब खरीद लेते हो, कुछ मूवीज देखाते हो एंटरटेनमेंट के लिए, और फिर भी अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो उसको आप वेकेशन पे खर्च करते हो। लेकिन ये सब अपनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप उस इंसान को भूल जाते हो जिसने ये सैलरी कमाने के लिए इतनी मेहनत की होती है, यानी कि आप खुद। तो आज से आप खुद को ये वादा करें कि सैलरी आने पे सबसे पहले आप खुद को पैसे देंगे, अपने फ्यूचर के लिए एक सैलरी का हिस्सा अलग करेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसको खर्च करेंगे। इससे एक लंबे टाइम में आपके पास बहुत पैसा जमा हो जाएगा, जिससे शायद आगे जाके आपको इतनी मेहनत करके नौकरी ना करनी पड़े। मैं इस चैनल पे आपको बता रहा हूँ सारे तरीके इन्वेस्ट करने के, तो मेरे को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड हाउस की सेम स्कीम दो अलग रिटर्न देती है तो शायद आपको मेरी बात का यकीन ना हो, पर ऐसा होता है एक्सपेंस रेशो की वजह से। एक्सपेंस रेशो वो चार्जेस होते हैं जो एक म्यूचुअल फंड हाउस हम लोगों से, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से चार्ज करता है हमारे फंड्स मैनेज करने के लिए। इस चार्जेस में उसकी मैनेजमेंट फीस, एडमिन चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट के जितने भी हमारे सारे खर्चे होते हैं ये उसमें कवर हो जाते हैं। अगर आप कोई भी स्कीम देखोगे म्यूचुअल फंड की, तो उसमें स्कीम का नाम लिखा होता है और उसके बाद लिखा होता है डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान। अब ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट प्लान वो प्लान होता है जो हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदते हैं, और रेगुलर प्लान वो प्लान होता है जो हम एक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। अब इन दोनों प्लान्स में यहीं पे एक्सपेंस रेशियो में भी डिफरेंस आ जाता है। जब हम ब्रोकर के थ्रू कोई भी प्लान लेते हैं, यानी कि रेगुलर प्लान जब हम परचेज करते हैं, तो उस एक्सपेंस रेशियो में उस ब्रोकर की फीस भी ऐड हो जाती है, तो 1-1.5% की एक्सपेंस रेशियो हमारी बढ़ जाती है। अब इसमें हमारे लिए अच्छी बात ये है कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से एक्सपेंस रेशो कोई भी म्यूचुअल फंड 2.5% से ज्यादा नहीं रख सकता है, तो वो रेशो एक फिक्स है, तो 2.5% से ज्यादा के कोई भी म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज नहीं करता है। तो लेकिन ये रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में ब्रोकरेज की वजह से 1.25% की कमीशन बढ़ जाती है, और ये इम्पैक्ट आता है हमारी रिटर्न का। तो आप ऐसा मानिए कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी म्यूचुअल फंड में, और उसका डायरेक्ट प्लान की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% है, तो इसमें जो आपका साल का पैसे एडजस्ट होंगे रिटर्न में से वो होंगे 10,000 रुपये। वहीं अगर आप सेम स्कीम का रेगुलर प्लान लेते हैं और उसकी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगी, अगर मान लो उसकी एक्सपेंस रेशियो 2% होती है, तो उसी सेम स्कीम में इन्वेस्ट करते हुए आपकी जो एक्सपेंस रेशियो है, जो आपके चार्जेस कट रहे हैं, वो 20,000 रुपये कटेंगे, यानी कि डबल। और इस वजह से जो आपकी रिटर्न है म्यूचुअल फंड्स में वो कम हो जाती है। मैं एक आपको एग्जांपल 3-4 फंड्स का ऑनलाइन दिखाता हूँ कि कैसे कितना डिफरेंस होता है एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में। तो आइए एक बारी देख लेते हैं क्या फर्क होता है इसमें। अभी हम फर्स्ट फंड इसमें देख रहे हैं, मिराया एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें 0.95% का फर्क आ रहा है सीधा सीधा डायरेक्ट प्लान और उसमें रेगुलर प्लान में। डायरेक्ट प्लान में आपकी एक्सपेंस रेशियो इसमें है 0.79%, और रेगुलर प्लान में वही एक्सपेंस रेशियो आपकी बढ़ के 1.74% हो गई है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। और आप देखोगे अगर हम इसमें एक कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि 10,000 रुपये अगर हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 सालों के लिए, तो सीधा सीधा आपके 21,000 रुपये का प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ जाता है डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने से। और कोई फंड इसमें हम देख लेते हैं अभी, कोटक एमर्जिंग में अब देखते हैं जैसे, तो इसमें तो 1.29% का फर्क आ रहा है। इसमें डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.62% की है, और रेगुलर प्लान में यही एक्सपेंस रेशियो 1.9% की हो जाती है। और अगर हम रिटर्न पे इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो देखो 26,000 रुपये 5 सालों में सिर्फ रिटर्न पे इम्पैक्ट आ रहा है, प्रॉफिट हमारा सीधा सीधा 26,000 रुपये बढ़ जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है हमारा म्यूचुअल फंड पे कितना हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और भी चिप में भी आप देख रहे हो तो 1.14% का फर्क आ रहा है डायरेक्ट प्लान में, बच रहे हैं आपके सीधे सीधे। डायरेक्ट प्लान में आपके एक्सपेंस रेशियो है इसमें 0.56%,
और रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ के 1.7% हो गई है, और रिटर्न पे अगर इसमें हम नीचे आके देखें तो 30,000 का फर्क आ रहा है इसमें। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो लोग एक बार ही ध्यान नहीं देते इन्वेस्ट करते हो, और ये आपकी रिटर्न पे इम्पैक्ट डालती जाती है। तो आप इस चीज को ख्याल रखें, कोई भी आप इसमें उठा लो, ये तो मैं जो मुझे याद आते जा रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ, आप कोई भी इसमें फंड उठा लो, इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा ही, किसी में कम किसी में ज्यादा, बस इतना ही फर्क होगा। ये वाला देख लेते हैं, कोई भी रैंडमली मैंने खोला, इसमें देखिए 0.56% का फर्क है। अब इसमें ऑलरेडी इतनी हाई डायरेक्ट प्लान में रेशियो है तो इसलिए ज्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। और हम इसमें देख लेते हैं या आदित्य बिरला का, अगर हम देखते हैं ये वाला फंड, तो इसमें डायरेक्ट प्लान में 0.94% का एक्सपेंस रेशियो है, और रेगुलर प्लान में वही एक्सपेंस रेशियो बढ़ के 1.89% का हो गया, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है वो लगभग 20,000 रुपये का है। तो दोस्तों इसमें हर प्लान में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल जाएगा, और आपको डायरेक्ट प्लान में इसीलिए मैं ये दिखा रहा था कि कितना डिफरेंस इसमें होता है, ऑलमोस्ट कई केसेस में डबल एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा कि कितना फर्क है एक रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो का, इस वजह से जो आप 15-20 साल तक लगातार रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो रिटर्न है वो कम हो जाती है, और ये इम्पैक्ट आपका बढ़ के 15-20 लाख रुपए तक भी हो सकता है। ये आपके जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उस पर डिपेंड करता है सारा। तो आप कोशिश यही करें कि जितने भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप इन्वेस्ट करें डायरेक्ट प्लान में। डायरेक्ट प्लान में SIP खुलवाना बहुत इजी होता है, आपको सही में कभी ब्रोकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी SIP खुलवाने के लिए। तो आप हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही जाएं और इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर आपको अभी भी डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो इसमें कमेंट जरूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजा आता है और वीडियो बनाने में जब आप सब्सक्रिप्शन ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं।